दिस इज प्रणव गुहा ठाकुरता फ्रॉम एडू टीवी। हमारे साथ हैं अभी श्री अजय पांडे जी, जो कि राजनीति की पाठशाला के प्रेसिडेंट हैं। ये काफी काम करते हैं समाज के लिए और पूरे पैन इंडिया काम करते हैं। सर, थोड़े से ये जो बच्चे हैं जिन्होंने भी 12वीं पास किया है और ग्रेजुएशन किया है, ये लोग बड़ी दुविधा में हैं। जैसे जिन्होंने 12वीं करा है वो, क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर नहीं था, जो बच्चे 12वीं पास हुए अभी जुलाई 15 को, उनको आइडिया नहीं है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े, क्या कोर्स पढ़े, क्योंकि अब कोर्स जॉब सब बदल जाएंगे। ऐसे जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो सोच रहे थे कहीं जॉब कर लेंगे, जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, और काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने लोन लेके पढ़ाया है उन्हें, वो लोग भी काफी दुविधा में है। हम आपकी एडवाइस चाहेंगे, बिकॉज योर वर्ड विल कैरी वेट। जो स्टडी आप करते आए हैं उसी को आपको कंटिन्यू करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं साइंस स्ट्रीम से आते हैं और बाद में सोशल वर्क में लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, सीएस होते हैं, बाद में वो डाइवर्ट हो जाते हैं, एनजीओ में काम करने लगते हैं, सोशल सर्विसेज में आ जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे मौके हैं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना है सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी माध्यम है लोगों तक पहुँचने का, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। और खासतौर पर सोशल वर्क में, सोशल वर्क इस समय इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जहाँ पे आपको एनजीओ में कैसे काम कर सकते हैं आप, किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे कि पार्षद या कोई आपके एरिया का विधायक है या आपके एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके साथ काम करने की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि जो इस तरह के जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिनको जनता चुनते हुए, उनके पास नॉलेज वाले लोग कमी रहती है। और उस समय जो है आप जैसे लोग जो कि अच्छे से पढ़ के आए हैं और चीज़ों को जानते हैं, उन तरह के लोगों को अच्छे से मौका मिल सकता है कि वो वहाँ जाएँ और चीज़ों को समझें और विचलित ना हों कि भाई आज मैंने 12वीं कर ली और मैं मुझे अब काम नहीं मिल रहा है या मैं अब क्या करूँ। डिप्रेशन में आ जाते हैं आदमी, ये समझ में नहीं आता कि रास्ता कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, वो सब सोचने की जरूरत नहीं। अपने दिमाग को और अपनी सोच को खुला रखें और जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें घट रही हैं उस चीज़ों को फॉलो करते रहें, जिससे आपको चीज़ें पता लगती रहें कि आपको आगे क्या करना है। थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल से आपका सेंटेंस या कोई पार्ट भी काफी बच्चों की लाइफ चेंज कर देगा और हम आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे ताकि बच्चों को कुछ समझ आ जाए क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।